हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और ये है जेई एडवांस 2023 पेपर वन क्वेश्चन नंबर 7। ओनली वन आंसर, एक ही आंसर चार में से खोजना है। ये 3 मार्क्स का है और ये टॉपिक्स है ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ। और यहाँ जो भी लिखे हैं क्वेश्चन, फिर लिखे ए मतलब एडवांस, यहाँ रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM और ये 3 मतलब ये मतलब फिजिक्स का 3रा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इसके पहले 2 क्वेश्चन और दे चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है। पहले अपने कोशिश कीजिए, नहीं बने तो सॉल्यूशन देखिए कैसे एनालिसिस करके बताया जा रहा है। तो पहले इसका कंसेप्ट बताते हैं कि क्या कंसेप्ट से ये सोचा जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। तो कंसेप्ट यही है इसमें कि अगर मान लीजिए कहीं पर एक फिगर में हम दिखा दिए, सपोज ये है कोई प्लैनेट अर्थ है जिसका रेडियस आर है और इसके ऊपर में समथिंग हाइट पर मान लिया ये डिस्टेंस है एच, और सेंटर से सेंटर जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास एम है और इसके सेंटर्स को यहाँ दिखा देते हैं ये रहा पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये एक्स। यहाँ x का मतलब हो गया r प्लस h और अब इसमें हम सोचेंगे कि जो भी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगता है g = f = कैपिटल g स्मॉल m कैपिटल m बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, एक मास यहाँ है स्मॉल m और कैपिटल मास अर्थ का पूरा कंसेंट्रेटेड है सेंटर में, यहाँ पर ये मास है m और दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया r प्लस h मतलब x का स्क्वायर। और इसी को आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि gmm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। और ये जो फोर्स होता है यहाँ पर यही फोर्स कहलाएगा mg' या इसी को बोल सकते हैं W' यही होता है W' ऐसा समझ। W' वेट हुआ mg' यही F को F' लिख दे रहे हैं और ये फॉर्मूला है। तो फाइनली mg' बराबर हो गया gmm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर और mm कट जाएगा तो g' gm by r plus h square यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही है कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए कैसे, तो फॉर सैटेलाइट की देखा जाए क्या क्या हो रहा है, डायग्राम दिखाते हैं। जैसे ये सोच लीजिए अर्थ हो गया और इसके रेडियस यहाँ आर हो गया, इसका मास कंसेंट्रेटेड है सेंटर में और ये हाइट है सैटेलाइट का पी का, हाइट ऑफ द सैटेलाइट HP। और अब ये जो टोटल डिस्टेंस होगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे तो कंफर्म ये r प्लस h होगा। तो ये g' इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं जी एट द पॉइंट p। इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एट द पॉइंट p, ये कितना होगा g' के जगह जी एट द पॉइंट p बराबर gm। जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम हो गया मास ऑफ द अर्थ और आर प्लस एच तो आर प्लस हाइट किसका है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट पी एच पी इसका स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला है। सिमिलरली फॉर सैटेलाइट पी सोचेंगे, क्यू सोचेंगे तो वो क्या होगा तो उसको भी फाइंड कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं उसको इस साइड में। सिमिलरली फॉर
सैटेलाइट क्यू, इसी तरह डायग्राम बनाएंगे। अर्थ हो गया, इसका रेडियस हो गया, यहाँ मास हो गया, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये हाइट ऑफ द क्यू है, और यहीं पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द पॉइंट क्यू हो गया, और इसका जो डिस्टेंस देखेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ में आर प्लस एच पी है, आर प्लस एच क्यू ये टोटल डिस्टेंस है, और यहाँ पर आर प्लस एच पी है, तो एक कंसेप्ट लगाएंगे तो जी डैश की जगह आ जाएगा जी क्यू इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच क्यू होल स्क्वायर। रिलेशन सेकंड हो गया, और यहां दिया है रेशियो, तो इसी को ऑपरेट कर देंगे वन डिवाइडेड बाय टू, तो क्या होगा जीपी बाय जी क्यू, तो जीपी में ये पूरा आंसर बैठा देंगे आर प्लस एच पी होल स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहा है तो यहां मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर प्लस एच क्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम, यहां पर जी एम कैंसिल हो गया, तो ये आंसर हो गया आर प्लस एच क्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच क्यू, यही है होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट ये आंसर इसके बराबर है। दिस इंप्लाइज जीपी बाय जी क्यू दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच पी क्यू सॉरी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच पी होल स्क्वायर। हम लोग को निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एच क्यू, हाइट ऑफ द क्यू सैटेलाइट, तो क्रॉस कर देते हैं तो आ जाएगा आर प्लस एच क्यू होल स्क्वायर, ये क्रॉस ऑफ इधर आ गया, तो जीपी डिवाइडेड बाय जी क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच पी होल स्क्वायर, मतलब आप एक अलजेब्रा का यूज करते हुए दो इक्वेशन निकाले, ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर मैंने समझा दिया है, और इसके बाद यहाँ पर दो इक्वेशन निकाले डिवाइड कर दिए, और अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया पुट कर देंगे, जीपी बाय जीक्यू दिया है 36/25, तो यहाँ आ जाएगा 36/25 36/25 ये लिख दे, और ये जो है R प्लस एच पी, एच पी यहां दिया हुआ है 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ होल स्क्वायर, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4R/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 36/25 इंटू 4R/3 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर ये निकल गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट क्या होगा एच क्यू प्लस आर, इसका स्क्वायर रूट हट गया तो इसका भी स्क्वायर रूट हटेगा, तो 36 का 6 हो गया, 25 का 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर हट गया तो 4R/3, और ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 8R/5। इसके बाद अब एच क्यू निकालना है तो एच क्यू लिख देंगे यहाँ पर, एच क्यू क्या होगा तो एच क्यू इज इक्वल टू इसको उठा के इधर ला देंगे तो 8R/5-R सॉल्व करके 3R/5, मतलब एच क्यू का आंसर निकल गया 3R/5। अब देखेंगे कहां पर 3R/5 है,
तो यहाँ तो नहीं है, इसे भी नहीं है, इसे भी नहीं है, फिर 11/5 दिख रहा है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, मतलब एकदम जो 9-10 में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं उसी के कॉन्सेप्ट से होगा। तो जानना बस यही है, एक टर्निंग पॉइंट था कि कोई भी जो फोर्स होता है वो होता है F बराबर g m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ m1 का जगह m, आगे m2 का जगह m हो गया, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर हो गया। इसको बोलते हैं F डैश, या इसी को बोलते हैं W डैश, यही होता है mg डैश ग्रेविटी, और यही कंसेप्ट m काट के आ गया। इसी फॉर्मूला को सैटेलाइट पी के लिए, सैटेलाइट क्यू के लिए दो बार यूज करना है, फिर डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, और बहुत ये इजीएस्ट क्वेश्चन था ऐसे कहा जाए। लेकिन वही है, समझना है उसमें कि एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहता है वो हर तरह का क्वेश्चन रहता है, हार्ड भी रहता है, मॉडरेट भी रहता है, और इजी भी रहता है, तो ये इजी क्वेश्चंस में आएगा। और इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, और जितना बनाएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा, पूरे 46 ईयर का IIT का 1978 से लेके 2023 तक का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनेंगे, जहाँ IIT JEE एडवांस का बनाएगा, अपने आप JEE मेन का लेवल तैयार हो जाएगा और अपने आप स्कूल का तैयार हो जाएगा। इसीलिए JEE एडवांस का ही खाली तैयारी कीजिए, और जब बहुत नज़दीक आ जाएगा परीक्षा तब JEE मेन का सोचिएगा, लेकिन हमेशा JEE एडवांस का बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यहाँ देखिए कि जो लिखे हैं हम एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज, मतलब आप एप्लीकेशन नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा एप्लीकेशंस के पहले कॉन्सेप्ट दे दिया गया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, एक लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से सोचिए कि इस लाइन को हम यहाँ से बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दे रहे हैं, कोई हैशटैग जैसा कुछ, देखिए एक हैशटैग टाइप पर लगा दिए, ये इतना दूर जो लिखे यही कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट को आपको खाली समझना है, जहां ये समझे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसके बाद मिलते हैं केमिस्ट्री के सीरीज में, मैथ के सीरीज में, फिजिक्स के सीरीज में, लेकिन हमेशा और हमेशा खाली JEE एडवांस का क्वेश्चन बनाइए, तभी आपका लेवल बनेगा। ये मत घबराइए, बनेगा नहीं, बनेगा, जरूर बनेगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।